अपराधियों की टोली ने सेनमारी की वारदातों को अंजाम देने के लिए ओला कैब बुक की। चालक को हथियार की नोक पर शहर भर घुमाते रहे, कुछ हाथ नहीं लगा तो कैब चालक को ही लूट लिया और उसका वाहन छीन कर भाग गए। घटना की जानकारी मिलते ही कलमना पुलिस जांच में जुट गई। 3 घंटे के भीतर पुलिस ने तीनों आरोपियों को दबोच लिया है। पकड़े गए आरोपियों में आजाद कॉलोनी बड़ा ताजबाग निवासी मोहम्मद दानिश मोहम्मद मतीन चामर चक्की चौक निवासी, निगोरी निवासी मोहम्मद जावेद मोहम्मद आमिर और 17 वर्षीय नाबालिग का समावेश है। दानिश हिस्ट्री शीटर है, उसके खिलाफ लूटपाट डकैती और चोरी के मामले दर्ज है। जावेद का भी आपराधिक रिकॉर्ड पुलिस खंगाल रही है। पुलिस ने शंभू नगर नारा रोड निवासी शुभम अनिल रामटेके की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। शुभम ओला कैब चलाता है। शनिवार की रात वह काम पर निकला था। रात 9:30 बजे के दौरान जावेद ने कैब बुक की। पिकअप पॉइंट मोक्षधाम था। शुभम सवारी लेने के लिए निकला ही था कि जावेद ने रामबाग बुलाया। शुभम ने बुकिंग रद्द कर दी। इसके बाद दोबारा जावेद ने कैब बुक की और शुभम रामबाग पहुंचा। वहां तीनों आरोपी कैब में सवार हुए। कुछ दूर जाते ही आरोपियों ने शुभम की गर्दन पर चाकू लगा दिया। जहां बताया जाए वहां चुपचाप चलने को कहा। डर के मारे शुभम उन्हें कैब में घुमाता रहा। रात के 3 बज चुके थे। शुभम ने आरोपियों को उसे छोड़ने को कहा। आरोपियों ने उसे पिछली सीट पर बैठा दिया और खुद गाड़ी चलाने लगे। मानेवाड़ा बेसा रोड होते हुए मनीष नगर और प्राइड होटल के पीछे निर्जन स्थान पर ले गए। वहां बंदरों की तलाशी करते रहे लेकिन कहीं हाथ मारने का मौका नहीं मिला। इसके बाद आरोपी वाठोड़ा रिंग रोड होते हुए पार्टी से एचपी टाउन ले गए। वहां आरोपियों ने शिवम को डरा धमका कर जेब से 1000 रुपए निकाल दिए, उसे नीचे उतारा और गाड़ी लूट कर भागने की। शुभम ने तुरंत पुलिस को घटना की जानकारी दी। कलमना पुलिस जांच भी जुट गई। आरोपियों का नंबर शुभम के पास था। उसके नंबर और कार के जीपीएस लोकेशन ट्रेस करते हुए आरोपियों का पीछा शुरू किया। महज 3 घंटे के भीतर पुलिस ने तीनों आरोपियों को दिघोरी परिसर में गिरफ्तार किया। डीसीपी नीलोत्पल और एसीपी रोशन पंडित के मार्गदर्शन में इंस्पेक्टर विश्वनाथ चफा, पीएसआई अनिल इंगोले, मुकुंद जाधव, दिगंबर दहीपले, विवेक चिंगड़े, मनोज राउत, दिलीप जाधव, चंद्रशेखर यादव, प्रशांत गवनी और प्रफुल्ल ने कार्यवाही को अंजाम दिया। 27/6/2021 रोजी अजनी चौका मध्ये शुभम अनिल रामटेके हे त्याची कार घेऊन थांबले होते। ते ओला कंपनीकडून ते किरायाने भाडा घेतात आणि ते कॅशियर पिकअप करतात। त्यांना रात्री 2:30 वाजण्याच्या सुमारास एक ओला कंपनीकडून कॉल आला की मोक्षधाम येथून एक पार्टी पिकअप करायचं आहे। त्याप्रमाणे त्यांनी मोहम्मद नवाचा जो एस एम जो बुक केला होता तिथं त्यांनी गेला, पण त्या ठिकाणी त्यांचा मोक्षधाम आहे त्यांनी रामबागला बोलवलं। रामबागला जाण्यासाठी त्यांनी मनाई केल्यामुळे तो कॉल कॅन्सल झाला। त्यानंतर परत जावेद या इस्माने परत कॉल बुक केला की ओलाची गरज आहे। तर त्यांनी त्या ठिकाणी रामबागला गेल्यानंतर त्या कारमध्ये 3 लोक बसले। कार नंबर आहे MH 31 EQ 739 ही टाटाची गाडी आहे। त्या कारमध्ये हे 3 लोक बसले आणि त्यानंतर एक अर्ध्या तासाने त्यांनी त्याची मुवमेंट चालू केले की त्यांना चाकू ड्रायव्हरला चाकू दाखवलं की आम्ही सांगितलं त्याप्रमाणे तुम्ही त्या परिसरामध्ये आम्हाला घेऊन जा। त्यांचा उद्देश हा कुठेतरी चोरी करण्याचा होता आणि त्याप्रमाणे त्या ड्रायव्हरला त्यांनी चाकू लावून कंटिन्यू रात्रभर धरत होते। 8 रात्री 3 वाजल्यापासून ते 5 ते 5:30 वाजेपर्यंत त्यांनी बऱ्याच ठिकाणी त्यांनी रेकी केली, फिरवलं। त्यानंतर त्यांनी 5:30 ते 5:30 वाजता SB टाउन चौकामध्ये त्याला सोडून दिलं आणि त्याच्याकडून 1000 रुपये काढून घेतले आणि गाडीसुद्धा त्याला घेऊन गेली जाताना अनोळ केसमध्ये। त्यानंतर तपासामध्ये आरोपी चा मोबाईल नंबर हा ओला कंपनीला बुक झालेला होता। त्या नंबरवरून आपण लोकेशन आणि बाकीची माहिती प्राप्त करू। 3 आरोपी आणि एक कार त्यांच्याकडून अटक करण्यात आलेली आहे। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।